गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास बेटा, हम चैप्टर सिक्स टिश्यूज के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। एंड इन द प्रीवियस क्लास वी हैव स्टार्टेड द एनिमल टिश्यूज। बच्चों, एनिमल टिश्यूज जो है फोर टाइप के होते हैं, एपिथेलियल टिश्यूज, मस्कुलर टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज एंड नर्वस टिश्यू। इन द प्रीवियस क्लास वी हैव स्टार्टेड द एपिथेलियल टिश्यूज एंड देर आर ऑफ टू टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज, सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज एंड कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यूज। बच्चों, जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज हैं, ये सेल्स के टाइप के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। और जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज हैं, ये सिंगल लेयर के बने होते हैं, सेल्स की सिंगल लेयर के बने होते हैं एंड दे आर अटैच्ड ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो इसमें हमने एक तो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम किया था, सेकेंड हमने सिंपल क्यूबॉइडल किया था, और फिर हम सिंपल कॉलमनर, आज आगे के हम सिंपल कॉलमनर, फिर सिंपल सीलिएटेड एपिथेलियम एंड देन स्यूडो स्ट्रेटिफाइड करेंगे। ओके बच्चों, इन टॉपिक्स को मैं डायग्रामेटिकली ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा, जिससे आपको समझ में भी ज्यादा आए और बेटर वे में आप उसको ग्रास्प कर पाए, सीख पाए कि ये कैसे होते हैं, किस तरीके से इनके फंक्शंस होते हैं। तो आप भी चाहे तो एक रफ कॉपी लेके साथ साथ में ड्रॉ कर सकते हैं डायग्राम्स को। ओके बच्चों, तो हम डिस्कस कर रहे हैं सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज। द सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज आर ऑफ फॉर्म बाय सिंगल लेयर ऑफ द सेल एंड दे आर अटैच्ड ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। ओके, सो सिंपल स्क्वेमस वी हैव कंप्लीटेड। चलिए मैं पहले हेडिंग डाल देता हूं। एनिमल टिश्यूज में हम फर्स्ट कर रहे हैं एपिथेलियल टिश्यूज, एपिथेलियल टिश्यूज में भी बच्चों अपन फर्स्ट कर रहे हैं सिंपल एपिथेलियम में हम स्क्वेमस कर चुके हैं, क्यूबॉइडल कर चुके हैं। नेक्स्ट लेते हैं सिंपल कॉलमनर। सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम कर रहे हैं, मैं डायग्राम बना देता हूं उसका। सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम में बच्चों जो सेल्स होती हैं वो लॉन्ग होती हैं, है ना, कॉलम शेप होती हैं, तो फिर इन्हें हम क्या कहते हैं, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल टाइप। बच्चों लुक एट द बोर्ड, ये देखिए कॉलम सेल, ये न्यूक्लियस, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो इस तरीके की एपिथेलियम को वी आर कॉल्ड सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। ओके, ध्यान से देखेंगे तो ऑनलाइन में भी बच्चों आपको समझ में आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो टाइप है डी, वो है सिंपल सीलिएटेड
एपिथीलियम। सिंपल सीलिएटेड एपिथीलियम। ओके चलिए, अब सिंपल सीलिएटेड में क्या होता है बच्चों के जो सेल्स हैं उनकी सरफेस पर सीलिया एमर्ज होते हैं, सीलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, तो वो एमर्ज हो जाते हैं और सीलिया के मूवमेंट से जो सब्सटेंसेस हैं वो बॉडी के अंदर मूव करते हैं। आपको मैंने बताया कि जो एपिथेलियल टिश्यूज है वो हमारी बॉडी के अंदर ही पाए जाते हैं, हमारे ऑर्गन्स की आउटर लाइनिंग को इनर लाइनिंग को ये बनाते हैं। तो जो सिंपल सीलिएटेड हैं वो सेल्स की सिंगल लेयर के ही बने होते हैं, सेल्स क्यूबॉइडल भी हो सकती हैं, सेल्स कॉलमनर भी हो सकती हैं, एंड उनके ऊपर हेयर लाइक सीलिया एमर्ज होते हैं जिनके कारण से सब्सटेंसेस का मूवमेंट पॉसिबल होता है। तो मैं यहाँ दोनों डायग्राम बना दूंगा, आर्यन एंड दिविश अभी आपसे बात करते हैं, पहले ये डायग्राम बना लूं मैं फिर आपसे बात करूं। चलिए तो बच्चों यहाँ सिंपल सीलिएटेड एपिथेलियम में देखिए कि सेल्स के सरफेस पर सीलिया पाए जाते हैं, तो सब्सटेंसेस को जैसे मूव कर, जैसे कि मैं आपको बताऊं जो फीमेल्स में फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं, तो जब एग रिलीज होता है तो वहां सीलियरी स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, तो वो एग को मूव करवाती हैं फैलोपियन ट्यूब के अंदर, है ना। तो ये इस तरीके से सिंपल एपिथेलियम में बच्चों नेक्स्ट टाइप है सिंपल स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ई है
बच्चों सिंपल सूडो स्ट्रेटिफाइड में जो सेल्स की लेयर है वो तो सिंगल ही होती है, लेकिन कुछ सेल्स ऐसी होती है जो बेसमेंट मेम्ब्रेन से तो अटैच होती है लेकिन वो लॉन्ग नहीं होती, सरफेस तक नहीं आती है, तो अपन को अपीयरेंस उसकी डबल लेयर की आती है, अपीयरेंस जो है वो डबल लेयर की आती है, लेकिन होती वो सेल्स की सिंगल लेयर है। तो फिर इसे हम क्या कहते हैं, सिंपल सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम कहते हैं। मैं एक डायग्राम बना के बता देता हूं आपको, इस एपिथीलियम को देखिए बच्चों, यहाँ पर ये जो सेल्स हैं ये लॉन्ग हैं, लेकिन ये जो सेल्स हैं इनके बीच में ये पूरी तरीके से सरफेस तक नहीं ग्रो कर पाई हैं, तो दिखने में अपन को अपीयरेंस इनका डबल लेयर का आ रहा है, ठीक है ना, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये सेल है, और ये सेल के अंदर न्यूक्लियस का पार्ट है, ओके बच्चों। तो इस तरीके से ऐसी एपिथीलियम को हम क्या कहते हैं, सिंपल सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम कहते हैं। एंड आप ध्यान से सुन लीजिए, सिंपल एपिथीलियल टिश्यूज के फंक्शंस क्या हैं, सिंपल एपिथीलियल टिश्यूज के फंक्शंस हैं सिक्रेशन करना, सब्सटेंसेस को सिक्रेट करना, एक्सक्रीट करना, ठीक है ना, एब्जॉर्प्शन करना, क्योंकि सिंगल लेयर होती है तभी एब्जॉर्प्शन पॉसिबल हो पाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लेंगे कंपाउंड एपिथीलियम, जो कि मल्टीपल सेल लेयर की बनी होती है फॉर द प्रोटेक्शन, तो बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में जो प्रोटेक्शन का पार्ट है वो कंपाउंड एपिथीलियम के द्वारा पॉसिबल होता है, ठीक है। तो चलिए ये रफ कर दूं मैं, बच्चों जो कंपाउंड एपिथीलियम है इसके अंदर भी मेनली टू टाइप्स हैं, एक तो है स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथीलियम एंड सेकंड है ट्रांजिशनल एपिथीलियम। जो स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथीलियम है वो हम फर्स्ट पहले करेंगे, इसमें सेल्स की 5 to 7 लेयर्स होती है, ठीक है, और जो आउटर मोस्ट सेल लेयर है वो डिफरेंट टाइप की होती है, स्क्वेमस भी हो सकती है, क्यूबॉइडल भी हो सकती है, कॉलमनर भी हो सकती है, सीलिएटेड भी हो सकती है, और जो बीच की सेल लेयर है, इंटरमीडिएट सेल लेयर है, वो पॉलीगोनल शेप होती है, डिफरेंट शेप्स की हो सकती हैं,
और जो इनर मोस्ट सेल लेयर होती है वो लो कॉलमनर शिफ्ट होती है जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन पर अटैच रहती है। तो पहले हम अपन करेंगे स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियम, ठीक है, स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियम कर लेते हैं। तो इसमें बच्चों ए फर्स्ट ले लेते हैं, स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियम में फर्स्ट ले लेते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, कंपाउंड स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियम। बच्चों इसमें हम स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियम को डिस्कस करेंगे, तो इनके जो डिफरेंट टाइप हैं वो आउटर मोस्ट सेल लेयर के बेसिस पर होंगे कि आउटर मोस्ट जो लेयर है वो किस टाइप की सेल्स की बनी है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, डायग्रामेटिकली समझना आसान है। आपको पता है बच्चों जो ये स्क्वेमस जो सेल है वो जब आपस में फिट होती है तो ऐसा लगता है जैसे कि फ्लोर पर टाइल्स फिट हो गई है, फ्लैट होती है, किनारे टेपर्ड होते हैं इनके।
खुशी अपन लास्ट में बात करते हैं, एक बार ये टॉपिक एक्सप्लेन कर दूं। तो बच्चों यहाँ देखिए, स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है एक के ऊपर एक सेल लेयर्स का स्टॉक होना, सेल लेयर्स का एक के ऊपर एक स्टॉक होना, डिपॉजिट होना, तो इसे हम स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम कहते हैं, कंपाउंड एपिथेलियम कहते हैं। और स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियम में सेल्स की 5 और 7 लेयर्स हो सकती हैं। फर्स्ट टाइप है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस कंपाउंड एपिथेलियम में, एक का ही डायग्राम बनाऊंगा क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाएगा आपके लिए। इसमें आउटर मोस्ट सेल लेयर कैसी है, स्क्वेमस सेल्स की बनी है। इनर मोस्ट सेल लेयर लो कॉलमनर शेप्ड है, इंटरमीडिएट पॉलीगोनल शेप्ड सेल्स की बनी होती है, इंटरमीडिएट जो सेल लेयर्स हैं, और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। तो स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियम को हम आउटर मोस्ट सेल लेयर की सेल की शेप के बेसिस पर हम अलग अलग टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो ये टाइप है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस कंपाउंड एपिथेलियम का, बिकॉज आउटर मोस्ट सेल लेयर किसकी बनी है, स्क्वेमस सेल्स की बनी है, ठीक है। अब हम सेकंड लेते हैं, ए का सेकंड, मैं सिर्फ नेम लिख के बताऊंगा आपको, स्ट्रेटिफाइड स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल कंपाउंड एपिथेलियम। ठीक है, ए का थर्ड है स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर कंपाउंड एपिथेलियम। ओके, और ए का फोर है स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कंपाउंड एपिथेलियम। बच्चों स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल कंपाउंड एपिथेलियम के अंदर आउटर मोस्ट सेल लेयर क्यूबॉइड सेल्स की बनी होती है। थर्ड जो टाइप है स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर कंपाउंड एपिथेलियम में आउटर मोस्ट सेल लेयर कॉलमनर सेल्स की बनी होती है। इसके फोर्थ टाइप में स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कंपाउंड एपिथेलियम में आउटर मोस्ट सेल लेयर के ऊपर सीलिया प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, सीलिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये तो था स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियम का पार्ट। नेक्स्ट हम लेते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम, जो कंपाउंड एपिथेलियम का ही सेकेंड टाइप है। सेकेंड लेते हैं हम, सेकेंड का बी, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। अच्छा बच्चों, जो हमने स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियम किया है तो उनका फंक्शन है प्रोटेक्शन करना। जिन भी ऑर्गन्स में ये पाई जाती है, तो मल्टीपल सेल लेयर की बनी होने के कारण से दे प्रोवाइड द प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ट्रांजिशनल एपिथेलियम बच्चों सेल्स की 3 से 4 लेयर्स की बनी होती है। कितनी लेयर्स की बनी होती है, 3 to 4 सेल लेयर्स की ये बनी होती है। ओके
ठीक है बच्चों, मैंने आपको नोट्स ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखे हैं इस चैप्टर के, तो आज आप इन टॉपिक्स को एक बार नोट्स से पढ़ना, कहीं भी कोई आपको समझने में प्रॉब्लम आए तो जो कल की क्लास है उसमें आप जरूर पूछ सकते हैं। बच्चों यहाँ पर डायग्राम देखिए आप, ये ट्रांजिशनल एपिथीलियम का है। ट्रांजिशनल एपिथीलियम में आउटर मोस्ट जो सेल लेयर होती हैं वो वेरिएबल शेप की होती हैं, ठीक है ना, और इंटरमीडिएट सेल लेयर्स हैं पॉलीगोनल से, ये इनर मोस्ट सेल लेयर है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। तो ट्रांजिशनल एपिथीलियम के अंदर जो है कंसीडरेबल एक्सपेंशन कॉन्ट्रेक्शन ये पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये उन ऑर्गन्स में पाई जा सकती हैं जहां पर मतलब एक्सपेंशन या कॉन्ट्रेक्शन या रिलैक्सेशन ऐसा कुछ एक्टिविटीज होती हैं, तो वहां ट्रांजिशनल एपिथीलियम उन ऑर्गन्स के अंदर पाई जाती है, ठीक है बच्चों। तो ये आउटर मोस्ट सेल लेयर है, आउटर मोस्ट सेल लेयर और ये है इंटरमीडिएट सेल लेयर और ये इनर मोस्ट ठीक है, ये है आउटर मोस्ट सेल लेयर, ये इनर इंटरमीडिएट लेयर, इनर मोस्ट सेल लेयर एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ट्रांजिशनल एपिथीलियम के अंदर कंसीडरेबल एक्सपेंशन पाए जाते हैं। तो नाइन्थ क्लास आज इतना ही करेंगे, रिमेनिंग पार्ट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास।